बेचारा थक गया है मेरे साथ चल चल के. तीन कंपार्टमेंट अगेन. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप आप लोग अच्छे हो, सेफ हो और खुश हो. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय बैग कलेक्शन. मैंने अपने चैनल पे कभी भी बैग कलेक्शन की वीडियो नहीं बनाई है. हाँ, रैंडमली हॉल शेयर करती रहती हूँ, बट स्पेसिफिकली मैंने बैग के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है. एंड मोस्ट ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी टू फिल्म दिस वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए अपनी बैग कलेक्शन की वीडियो लेकर आऊँ. सो ये जो बैग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने खुद परचेज किए हैं, मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट किए हैं. सो या इतने सारे बैग्स, इट्स नॉट अ नेसेसिटी. एक बैग होगा, यू आर सॉर्टेड. ऑलराइट, सो मैं इस वीडियो में कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, कुछ यू नो आपको ऑफेंडेड फील नहीं करवा रही हूँ. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो विद पॉजिटिविटी, एंजॉय करिए यार बस. और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो ग्रैब समथिंग टू ईट सो दैट कि आप बोर ना हो. ऑलराइट, हेल्दी खाना कुछ. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. आई होप इट्स एंटरटेनिंग, मजा आए आपको देखने में. और या लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके, तो सबसे पहला बैग है ये एमके का बैग. ये एक टोट फॉर्म में बैग आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. बहुत साल पुराना बैग है, बट स्टिल इट हैज़ मेंटेन दैट शेप. और ये बैग सीरियसली बहुत ही बड़ा है, मतलब आप इसका साइज देखिए. बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं इस बैग के अंदर और बहुत 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 स्पेशियस, स्पेशली ट्रेवल के लिए. तो इस तरीके के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं. ब्यूटीफुल ये ब्राउन एंड टैन का कॉम्बिनेशन है. आई रियली लव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बैग. एंड या बहुत ही स्टैंडर्ड एक टोट बैग है और एमके का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट जो एमके का बैग है वो है ये बैग, जो कि है शोल्डर बैग. इट्स कॉल्ड अ क्विल्टेड बैग और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. शनेल के बैग्स जो होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्ड चेन शोल्डर बैग. आई लव दिस बैग और मैं इसको इतनी बार यूज कर चुकी हूँ गाइज. स्टिल आप इसकी शेप देखें कितनी ब्यूटीफुल शेप है. इसको मैं इस तरीके से अनलॉक करती हूँ और फिर अंदर काफी हद तक इसके अंदर सामान आ जाता है. मतलब आप इसको ट्रेवल के लिए भी कैरी कर सकते हो. पीछे भी, और इसके पीछे भी स्पेस है सो दैट कि मैं फोन इसके अंदर रखूँ. बार बार मुझको अंदर रखने की जरूरत ना हो तो बाहरी फोन के लिए भी जगह है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत स्लीक सा है, बिल्कुल ही बल्की नहीं लगता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन जो मैंने आपको दिखाया था. बहुत ही स्लीक है, शोल्डर बैग है, वेरी कंफर्टेबल. इसको मैं चाहे तो इस तरीके से यू नो ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ और बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत स्टाइलिश होता है. क्योंकि बैग्स को पार्टीज के लिए भी स्टाइल कर सकते हो, कैजुअल वेयर के लिए भी स्टाइल कर सकते हो, या और जो डेली केयरेंस होते हैं उनके लिए भी आप स्टाइल कर सकते हो. सो वेरी वेरी नाइस क्विल्टेड Michael Kors bag. It's a beautiful bucket kind of bag, bucket shape में है ये. The only thing I don't like about this bag is कि इसके अंदर कोई magnetic button नहीं है so that कि you know lock हो जाए. ये drawstring सा दिया हुआ है so that कि मैं इसको इस तरीके से बंद कर सकूँ, but अब ये भी खराब हो चुका है. इस bag को भी मैंने बहुत 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 बार use किया हुआ है. It's a beautiful bag, you see. I love black color. मेरे mostly bags black, white, tan, browns इसी color में मिलेंगे आपको. इक्का दुक्का मिल जाएगा आपको colorful, because I'm not that kind of colorful person bags के related. तो yeah, it's a nice bag. It also has this sling so that कि मैं इसको ऐसे भी carry करूँ. Okay, next bag again from Zara. ये मैंने Zara की sale पे लिया था. It's a beautiful clutch, clutch type जो होता है ना उस तरीके से shells detailing में bag है guys. पर zipper दिया हुआ है so that I can open it. And yeah, मैंने इसको use नहीं किया, सिर्फ videos के लिए use किया है, as it use नहीं किया है. But it's a beautiful shell detailing bag. और ये मेरे को सेल में मिल गया था गाइस. मुझे अब इसका प्राइस याद नहीं, बट मुझे बहुत ही कम दाम में मिल गया था, अराउंड 40 और 60 dirhams. वैसे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, बट मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में ये मिल गया था, सो आई रियली लाइक इट. अगर आपने मेरा सरोजिनी नगर हॉल देखा तो आपको याद होगा ये बैग. ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरीके से बैग है. इट्स हाफ मून स्टाइल बैग. इट्स फ्रॉम सरोजिनी नगर, बट ये जो ब्रांड है वो है ज़ारा. ज़ारा में सिमिलर बैग था गाइस, सिमिलर बैग था और बहुत महंगा था, अराउंड 3000 समथिंग अबव. और ये मेरे को सरोजिनी नगर में मिला है अराउंड 1100 या 1000 के लगभग. ठीक है, मुझे याद नहीं है, 3 साल बाद पुरानी है ये. तो या इट्स अ नाइस बैग. और वाइट कलर बहुत प्यारा कलर है. आप इसको अपने इंडियन आउटफिट्स के स्टाइल कर सकते हो, आप इस तरीके के बैग्स अपने वेस्टर्न वेयर के साथ स्टाइल कर सकते हो. सो इट्स अ ब्यूटीफुल हाफ मून स्टाइल बैग विद दिस क्यूट वुडन हैंडल. ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट बैग. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बैग आई ओन. ये आई थिंक 12 साल पुराना बैग है गाइस. ओह माय गॉड, वाओ. 11 से 12 साल पुराना ये बैग है, बट स्टिल इट लुक्स गुड. थोड़ी सी शेप खराब हो गई क्योंकि मैंने उसको रखा अच्छे तरीके से नहीं था. ये DKNY का बैग है. DKNY का ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्ड
टोट बैग है ये है, ये बहुत ही ज्यादा हैवी है. मैंने अभी इसमें कुछ भी डाला नहीं है बट स्टिल इट लुक्स वेरी वेरी हैवी हैवी हैवी. थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इस बैग को कैरी करने में इसलिए होती हूँ क्योंकि ना जब इसके अंदर और ज्यादा सामान डालती हूँ ना तो ये और ज्यादा हैवी हो जाता है. चेन है और काफ़ी अच्छा है ये बैग. और या ये मैंने कैरी किया था जब मैं आई थिंक लास्ट वेगास गई थी, यूएस गई थी, तब मैंने कैरी किया था बैग. और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड बैग है और एक ऐसा बैग तो डेफिनेटली आपके पास भी होना चाहिए. ऑफिस गोइंग के लिए परफेक्ट रहते हैं इस तरीके के बैग्स. बैग्स को हमेशा जो अच्छे बैग्स हैं मतलब जो डिज़ाइनर बैग्स हैं मेरे पास उनको मैं हमेशा इस तरीके के डस्ट बैग में कैरी करती हूँ, रखती हूँ मतलब, क्योंकि इससे आपके जो बैग्स हैं वो अच्छी शेप में भी रहते हैं और साथ में उन पर धूल मिट्टी नहीं जमती जिससे आपके बैग खराब हो. सो एक ऐसा आपके पास ज़रूर होना चाहिए. ओके नाउ फॉर द नेक्स्ट बैग मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये गेस का क्विल्टेड बैग. जैसे वो माइकल कॉर्स का ब्लैक का था ना वैसा ही पैटर्न है ये क्विल्टेड, इसे कहते हैं इस पैटर्न को क्विल्टेड पैटर्न कहते हैं. इसके साथ ये बहुत ही सॉलिड चेन है, वेरी नाइस मटेरियल, इट्स नॉट एग्जैक्टली गोल्ड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल टैन गोल्ड होता है ना उस तरीके का कलर है. इसके साथ स्ट्रिंग भी आती है बट मैं इसको स्ट्रिंग के साथ कैरी करना प्रेफर नहीं करती हूँ. इसको पुश करेंगे और यहाँ से खुल जाएगा और ये बहुत सारा सामान इसके अंदर मैंने डाला हुआ है. जब मैं ग्रीस गई थी तो मैंने यही बैग कैरी किया था और मेरे काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ ये चला गया क्योंकि ये न्यूट्रल कलर है एंड आई लव सच कलर्स बैग्स में स्पेशली एंड मैं जूतों में क्योंकि बहुत वर्सेटाइल कलर होता है यार. पता नहीं कलर दिख क्यों नहीं रहा है अच्छे से बट इट रियली लुक्स गुड. नाउ नेक्स्ट बैग जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपने मेरी हॉल में देखा होगा, ये मैंने एसोस से मंगवाया था. इट्स अ ब्यूटीफुल क्रोकोडाइल प्रिंट बैग विद दिस सिल्वर चेन एंड दिस ब्यूटीफुल स्ट्रिंग जो भी आप बोलो हैंडल. और बहुत अच्छा है ये बट ये शोल्डर बैग है. इस तरीके से मैं इसे कैरी करूँगी. इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक कलर. एक्चुअली मेरे पास पिंक कलर एक भी नहीं है, मेरे पास कोई भी कलरफुल बैग नहीं है यार. सो या इट्स अ वेरी नाइस बैग. और इसके साथ ये मैग्नेटिक बटन है. अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बस वीडियोस में यूज़ करती हूँ यार मैं इसको. बट या इट रियली लुक्स गुड बैग अगेन फ्रॉम एसोस. ये है इस टाइप में, ये भी क्रोकोडाइल प्रिंट है एंड दिस इज़ इन ब्लैक कलर. और आजकल इस तरीके के पाउच स्टाइल बैग्स आप बोलें या बैकेट टाइप बैग्स आप बोलें बहुत ही इन है. इफ़ रियली लुक्स गुड, वेरी एलिगेंट, वेरी शीक. एंड इफ़ यू आर समवन जिसको ज़्यादा बड़े बड़े बैग्स कैरी करना पसंद नहीं है, यू कैन थ्रो योर बिलोंगिंग्स इन दैट. द बेस्ट पार्ट इज कि चेन भी है सो दैट कि मेरी जो बिलोंगिंग्स हैं वो नीचे ना गिरे. और एसोस इज़ अ गुड ब्रांड और ये एसोस का ही है. एंड या ये मैंने यूके से मंगवाया था एक्चुअली. एसोस यूके का ब्रांड है. सो या इट्स रियली रियली गुड. Okay, now for the next bag, I'm going to show you this bag which is from Shein and it's a pouch style. है ना पाउच स्टाइल है ये. तो मैं इसको पता कैसे प्रेफर करती हूँ लेना, इस तरीके से. इट रियली लुक्स गुड एंड दिस बैग इज अ काइंड ऑफ कॉपी स्टाइल कॉपी ऑफ बोटिका वेनिटा. मैं यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करूँगी, उस तरीके का बैग है ये. एंड गाइस ये मैग्नेटिक, इसका इस तरीके से में कोई मैग्नेटिक बटन नहीं है बट ये जो है ये मैग्नेटिक है. सी हो गया ना बंद. और ये भी अच्छा है, बहुत स्टाइलिश दिखता है, बहुत ही कंफर्टेबल है कैरी करने में. और इसके अंदर भी अच्छी लाइनिंग दी हुई है, कॉटन फैब्रिक में लाइनिंग दी हुई है. एंड दिस वन वाज वेरी वेरी रीजनेबल. आई थिंक 800 रुपीज़ का 40-45 दिरहम, आई थिंक 1000 के नीचे नीचे ये बैग है. ये मेरे को मिला था 2000 रुपीज़ का फ्रॉम फॉर एवर ट्वेंटी वन. हाँ एक्चुअली फॉर एवर 52 और फॉर एवर 21 के बीच में मैं कन्फ्यूज होती रहती हूँ हमेशा. ओके ये है बहुत ही क्यूट क्विल्टेड स्टाइल. एंड ये जो बैग है ना मैंने इसको इतना घिसा है मैं बता नहीं सकती हूँ. और ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइज. बैक इन द डेज मैंने इसको बहुत यूज़ किया है फॉर माई ग्रॉसरी शॉपिंग, अभी भी इसमें पड़ा हुआ है नोट. तो या बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है कैरी करने में. इसको मैं पता है कभी कभी जब मन करे ना तो मैं इसको स्लिंग भी बना लेती हूँ और कभी कभी मैं इसको शोल्डर बैग भी बना लेती हूँ. मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके से मैं इसको बना लेती हूँ. सी इट रियली लुक्स गुड ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है. और ये जो गोल्ड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है दिस लुक्स रियली गुड. तो अभी तक बेचारा इतना घिस गया बट स्टिल इट लुक्स सो 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 गुड. ओके जो नेक्स्ट बैग है वो है ये वाला गेस का लक्स कैटेगरी में जो आता है वो है. इट्स अ ब्यूटीफुल बैग एक्चुअली. ये मेरे को गिफ्ट किया था किसी ने. एंड या इट्स अ वेरी नाइस रेड कलर. रेड इट्स अ ब्यूटीफुल कलर. अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, बहुत साल पुराना बैग है गाइस ये.
यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस बैग को यूज करने में। और ये आप देख रहे हैं गोल्डन डिटेलिंग इसके ऊपर जो हुई है, बहुत प्यारी है ये। और मुझे रेड एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत 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 अच्छा लगता है। नेक्स्ट बैग मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये इसमें है। ये बहुत प्यारा बैग है गाइस, बहुत सुंदर बैग है ये। ये मैंने हांगकांग से लिया था एक्चुअली, और ये है चार्ल्स एंड कीथ का बैग। ब्यूटिफुल कलर, टैन कलर, आई डोंट हैव दिस कलर। और द बेस्ट पार्ट इज इसका जो आप देख रहे हैं ये फैब्रिक, यहाँ पे थोड़ा सा वेलवेटी फैब्रिक है और यहाँ पे लेदर है। और इसको जो खोलते हैं ये इस तरीके से खुलता है, ऐसे खोलकर, और फिर मैं अपना सामान इसमें फिट कर सकती हूँ। काफ़ी अच्छा खासा सामान इसमें आ सकता है जो मुझे नीड होगा। तो या बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैंडी डैंडी ये बैग है। आई लव द स्ट्रिंग, इतना लंबा कर सकती हूँ सी। और या मैं जो अगर शोल्डर में कैरी करना तो मैं इसको ऐसे भी एज ए शोल्डर बैग भी कैरी कर सकती हूँ सी। वेरी नाइस कलर अगेन, कैमल कलर, आई लव दिस कलर यार, बहुत सुंदर लगता है। मैं सोच रही हूँ इसमें ना इस कलर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बैग लूँ मैं, बट अभी नहीं क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं। मेरे पास अभी और बैग्स हैं बट वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। बट हैं अभी 4-5 बैग्स मेरे पास और। सो यस, ये है, इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है बट अच्छा है ये बैग, बहुत प्यारा है, इस तरीके से खुलता है। और या बहुत सारा सामान आ सकता है, बैकपैक है यार, तो बैकपैक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत सारा सामान आएगा इसके अंदर। ये मेरे को पता कितने का मिल गया था, आई थिंक 100 या 120 दिरहम्स का मिल गया था शायद, ये याद नहीं मेरे को। और इसको भी ऐसे आप मतलब मैं टाइट कर सकती हूँ जैसे कि मेरी चीज़ें गिरे ना। बाकी बहुत अच्छा बैग है ये, मैं सोच रही हूँ इसको यूज़ करना शुरू करूँ क्योंकि अच्छे लगते हैं यार इस तरीके के बैग्स, दे लुक रियली गुड। ओके गाइज, अब मैं जो बैग्स आपको दिखाने वाली हूँ ना ये हाई एंड बैग्स हैं, मतलब कि लग्जरी बैग्स हैं। लुक एट दिस ब्यूटी, इट्स फ्रॉम YSL, इट्स अ वेरी वेरी नाइस बैग। प्राइस मेरे को याद नहीं बट अबाउट 1 लाख ही है ये। वेरी नाइस बैग अगेन, स्ट्रक्चर्ड बैग, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के बैग्स गाइस। और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, मैं क्या करती हूँ जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मैं इसका ये निकाल देती हूँ, ठीक है, सो दैट कि इस बैग का जो शेप है वो ख़राब ना हो, ऐसा ही रहे। सो दैट इस तरीके के आपको भी डालने चाहिए अपने बैग में, सो दैट कि आपके बैग्स की शेप भी ख़राब ना हो। ऑलराइट, तो ये मैंने अभी फिल किया हुआ है इसको। बाकी ये बहुत अच्छे हैं, तीन कंपार्टमेंट्स है इसमें। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस बैग है ये। और ये शोल्डर बैग है अगेन, मैं इसको एज इट भी कैरी कर सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ। और इसका जो डस्ट बैग आता है आप देखिए कितना अच्छा है, अंदर से प्रॉपर यू नो लिनन फैब्रिक होता है ना, उस तरीके का मटेरियल है अंदर, और बाहर से भी काफ़ी अच्छा है। अगेन ये जो बैग है ये भी बहुत ही सुंदर, शेप का नाम मुझे याद नहीं है और क्या बोलते हैं मुझे ये भी याद नहीं है, बस जो है आपके सामने है। वेरी नाइस अगेन ब्राउन एंड दिस वॉर्म अंडरटोन येलो कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लुई विटॉन का बैग है। एंड गाइस द बेस्ट पार्ट इज दिस बैग इज वेरी स्पेशियस, वेरी वेरी स्पेशियस। और मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये प्लास्टिक है जो फूला हुआ है, किसी बैग के साथ आया था, आई थिंक किसी बैग के साथ तो आया था, अभी याद नहीं किस बैग से। तो मैंने क्या किया, सो दैट कि अपनी शेप खोए ना बैग, तो मैंने इसके अंदर पूछ दिया है सो दैट कि फूला फूला लगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये भी स्ट्रिंग के साथ आता है सो दैट कि मैं इसको एज इट भी कैरी करूँ, बट मैंने सोचा कि अब मैं इस बैग को ऐसे ही पकड़ूंगी। और ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का, जब आप जाते हो ना एयरपोर्ट के लिए तो आपको ऐसे ही बैग्स चाहिए होते हैं जो कि स्पेशियस हो और आप अपनी बिलोंगिंग्स वगैरह सब इसमें डाल सको। सो ये भी काफ़ी पुराना बैग है बट स्टिल अच्छे से मेंटेन है क्योंकि रखा है मैंने इसको अच्छे से मेंटेन। आई लाइक इट, आई लव इट एक्चुअली। ओके, नाउ फॉर द लास्ट बैग, आप लोगों को पता चली कि होगा वैसे मैं कौन सा शेयर करने वाली हूँ। ये गुच्ची का बैग है, स्लिंग बैग है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल अगेन लाइक दिस, गुच्ची का लोगो है यहाँ पर। और हाँ, इस तरीके से इसकी स्ट्रिंग्स हैं। मैंने इस बैग को बहुत बार कैरी किया है
एंड इट लुक्स सो गुड, बहुत अच्छा लगता है और बहुत स्पेशियस है ये। अभी भी इसके अंदर सब वेलवेट की जो लाइनिंग नहीं होती है वैसी वाली लाइनिंग है इसके अंदर, वेलवेटी लाइनिंग है, बहुत ही ईजी है। एंड यू नो वॉट, जब मैं ग्रीस गई थी ना इसके अंदर बहुत कुछ गिर गया था, फिर मैंने इस बैग को इतने तरीके से साफ किया है ना अंदर से, अब पूरा क्लीन हो गया है ये। सो या बहुत ही स्पेशियस बैग है गाइज, ये बहुत स्पेशियस है। स्लिंग बैग के अकॉर्डिंगली दिस बैग इज रियली रियली स्पेशियस एंड वेरी ईजी पीजी टू हैंडल। और या I really like it. I hope you enjoyed watching my bag collection videos. कुछ bags miss हैं इसमें क्योंकि मैंने वो share नहीं किए हैं आपके साथ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लंबी video हो जाएगी यार ये, इसलिए मैंने share नहीं किए। बाकी near future में देखूंगी, अगर आपका मन किया देखने का part 2 of this video, do let me know, मैं बनाऊंगी। And yeah guys, अगर आपको ये video पसंद आया हो give this video a big thumbs up, और आपका कौन सा favorite bag था वो मेरे को comment करके जरूर बताना, that really means a lot, all right? मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, that really really means a lot। तो अगर आपने इस video को enjoy किया हो, मजा आया हो आपको देखने में, give this video a big thumbs up, like it, share it and subscribe to my channel if you haven't, and click on the notification button, subscribe button ke saath jo hota hai, so that you are notified every single time jab bhi mere channel pe nayi video post ho. And now I'll see you in my next one with the brand new video. Till then, stay happy, lots of love, take care of yourself, and I love you all so much. Bye.